और सीधे रुख करेंगे रांची जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अमरदास जी के कार्यकाल के दरमियान 5 वर्षों में क्या क्या चीजें घटित हुई, ये आप तमाम लोगों के नजर में है, पब्लिक डोमेन में, चाहे वो मामले मैनहर्ट के हों, चाहे वो मामले टॉफी और बिस्किट और टी शर्ट के हों, चाहे वो अन्य मामले हों। बहुतेरे मामले ऐसे रहे जिन मामलों में निश्चित रूप से भी जांच की प्रक्रिया चल रही है, और यदि मामले उभर कर सामने आए हैं तो उसका भी निश्चित रूप से आज नहीं कल समाधान होगा और जांच एजेंसियां उसमें अपना स्पष्ट मंतव्य देंगी। आपके माध्यम से एक और नया शब्द मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ, ओफाज नाम सुना है आपने? सुना है, उसका फुल फॉर्म भी बता दीजिए। नहीं आता। ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड, ये एक बड़ा नामालूम सा विभाग है, ओफाज। इस ओफाज में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के तौर तरीके झारखंड के किसानों को सिखाए जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसानों के बजाय नेताओं की हो गई है। तो आने वाले दिनों में आप उफाज को भी सुनेंगे और अच्छे तरीके से सुनेंगे, मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी जो हमारे जिले से ही आते हैं, मैं उनके ही जिले का निवासी हूँ, वो भी तो स्वयंभू न्यायाधीश बनकर विभिन्न प्लेटफॉर्म में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा, नहीं देंगे तो सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी, किस संवैधानिक पद पर है उनको यह कहने का अधिकार क्या है ये नहीं मालूम है, पता नहीं, गर्मी ज़्यादा चल रही है, मौसम ठीक नहीं है, दौड़ धूप कर रहे हैं बाहर में, तो हो सकता है बोल गए हों। लेकिन मैं एक बात उनके बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिस नैतिकता और शुचिता की बात वो करते हैं, वो नैतिकता और शुचिता की बात 2006 तक उनके मुँह से अच्छी लगती थी। जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर 2004 में वो निर्वाचित हुए थे और जब उनको झारखंड विकास मोर्चा बनाना था तो 2006 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर इस्तीफा दिया था और JVM के नाम से वो चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़के जनता के माध्यम से जीत कर आए थे। तब तक ये नैतिकता की बातें उचित थी, लेकिन कुतुब मीनार का बयान हो, हरिद्वार का बयान हो, मोदी जी के खिलाफ बयान हो कि दोबारा आ गया है, जो 19 में अगर आ गए तो देश में कटोरा लेके मांगने के लिए विवश कर देंगे, इन तमाम बयानों के बाद और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राजधनवार में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ लड़के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लड़के, जहां से वो JVM के विधायक बने, आज वो पूरी तरीके से राजनीतिक शुचिता और नैतिकता को त्यागते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। यदि उनको राजनीतिक शुचिता और नैतिकता का इतना ही ध्यान था तो वो इस्तीफा देते, और इस्तीफा देकर वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से निर्वाचित होकर सदन में आते, तब हमें लगता कि नैतिकता और शुचिता की बात करने का उनको अधिकार है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस नैतिकता और शुचिता की दुहाई बाबूलाल जी दे रहे हैं वो कतई उस बात को करने के लिए लाजिम नहीं है। और रघुवर बाबू के अलावे और भी बहुत मामले हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये डायलॉग हो, मोनोलॉग ना हो जाए, सिर्फ मैं बोलूँ वो उचित नहीं है। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये आप लोगों को आशंका है क्या चुनाव आयोग अपने स्तर पर ही फैसला ले ले? देखिए, आज इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की जो दशा है, संवैधानिक संस्थाओं में निर्वाचन आयोग को TN सेशन के पहले तक लोग नहीं जानते थे। TN सेशन के आने के बाद इस देश को यह पता लगा कि निर्वाचन आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसके कंधे पर निष्पक्ष चुनाव की जवाबदेही है। लेकिन हालिया दिनों में जो हम लोगों ने उनके क्रियाकलाप देखे हैं, उस क्रियाकलाप से हमें भी यह आशंका लगती है कि नेतृत्व के दबाव में, पॉलिटिकल केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में हो सकता है कि वह ऐसा एक पक्षीय फैसला करने को बाध्य हो। हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि भारत का ये विधि द्वारा स्थापित संविधान न्यायपालिकाओं को कानून की व्याख्या करने की ताकत देता है, और हम बिल्कुल इस बात के हामी हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सक्षम न्यायालय में कानून की व्याख्या के लिए जाएंगे। इसमें तो मैंने सुना है कि आयोग सुप्रीम कोर्ट से भी कंसेंट लेगा, उसके बाद फैसला लेगा। आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में अभी बहुत कुछ कहना मेरे समझ से उचित नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पक्षकार हैं उनके भी पक्ष सुने जाने चाहिए, और हमें उम्मीद है कि आयोग इस शुचिता का पालन करेगा। जो गवर्नर का इंटेंशन है, आपको क्या लगता है गवर्नर का, इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंटेंशन जो है वो सही नहीं है?
नहीं, इंटेंशन जब तक एक्ट में नहीं परिणत होता है तब तक किसी इंटेंशन के ऊपर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिस तरीके का नैरेटिव बना रहे हैं वो नैरेटिव कहीं ना कहीं ये दिखाने को का प्रयास है कि ये सरकार कल चली जा रही है। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि प्री पोल अलायंस में चुनाव पूर्ण किए गए इस गठबंधन को झारखंड की जनता ने 47 सीटें दी हैं और 25 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी यह डिक्टेट या रूल नहीं कर सकती है कि इस प्रदेश में शासन किसका होगा। जनता जनार्दन मालिक है और जनता जनार्दन ने 19 के चुनाव में गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है और किसी भी परिस्थिति में मैं यह मानता हूं कि यह फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस पर होगा। फ्लोर ऑफ द हाउस यह तय कराएगा कि सरकार किसकी रहेगी और कौन सरकार में बैठेगा। नहीं, एक बात और मैं बता दूं, मैं आज भारतीय जनता पार्टी को बधाई देने के लिए भी आया हूं क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के कम से कम फोटोकॉपी करने वाले दुकानदारों को जो एक अवसर प्रदान किया, तमाम फर्जी कागजों का 20-20 25-25 सेट बनाकर जो लोग बांट रहे हैं उसके लिए भी उनको बधाई की। इस जब इतनी बाजार में क्राइसिस है पैसे की, उस वक्त कम से कम फोटोकॉपी दुकानदारों का बिजनेस अच्छा चल रहा है। कल भी कुछ कागज लेकर लहराते हुए देखे गए थे बाबूलाल मरांडी, तो वो कागज तो पहले जब 5 साल रघुवर जी के सरकार था तो उस समय भी उसी तरह के कागज लहराए गए। कम से कम एक चीज तो अच्छा है कि छोटे से दुकानदार होते हैं फोटोकॉपी के जो करने वाले लोग हैं उनको व्यवसाय मिल रहा है और हमारी चाहत है कि इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार इस व्यवसाय में सहयोग करते रहे ताकि क्योंकि अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ पेपरलेस हो गया है तो उस वक्त में कम से कम इस जो व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं उस व्यवसाय को भी थोड़ा सर्व कर पाए, इसके लिए उनको बधाई। मैंडेट उनके खजाना आवंटित करें। मैंडेट